नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। इस वीडियो के तहत दो महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहली अपडेट पीटीआई भर्ती 2022 जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका जो जिला आवंटन का लिंक है वो आखिर कब तक एक्टिवेट होगा, और पीटीआई भर्ती 2022 अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रोविजनल परिणाम कब तक जारी होगा इसके बारे में। इसके अलावा रीट भर्ती 2022 लेवल सेकंड बाकी सब्जेक्ट का स्कोर कार्ड और दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल कब तक जारी हो सकता है इसके बारे में, जी इन दो महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में आपको इस वीडियो के तहत बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो शिक्षा विभाग से जुड़े इस आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आप विभागीय आदेश, रिजल्ट्स, आंसर कीज, दैनिक समाचार और आगामी भर्तियों की घोषणा, ये सभी अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहेंगे, शिक्षा विभाग की हर प्रकार की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें हर प्रकार की अपडेट प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हर अपडेट का दोस्तों वीडियो बनाना संभव नहीं है, इसलिए टेलीग्राम से आप अवश्य जुड़े। तो ले चलते हैं आपको सबसे पहले पीटीआई भर्ती 2022 जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो लिंक है। जी हाँ, जैसा कि राजस्थान युवा बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के अनुसार अगर माने तो उनका जिला आवंटन का लिंक या तो सैटरडे, जी हाँ शनिवार तक, यदि शनिवार को हो जाता तो ठीक है दोस्तों, यदि शनिवार को नहीं हो पाता है तो मंगलवार तक का समय उन्होंने बताया है। जी हाँ, जो पीटीआई भर्ती 2022 चयनित अभ्यर्थी हैं उनका जिला आवंटन का लिंक जो है एक्टिवेट लगभग मंगलवार तक, आप मान सकते हैं कि मंगलवार तक वह एक्टिवेट हो जाएगा, वैसे शनिवार तक भी संभावनाएँ हैं। इसके अलावा पीटीआई भर्ती 2022 जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनका प्रोविजनल परिणाम इसी सप्ताह में जारी होने की बात कही गई है, जो कि लगभग जैसा कि अगर उनके अनुसार माने राजस्थान युवा बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष के अनुसार और युवा बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष राधे मीणा जी के अनुसार अगर माने तो उनका प्रोविजनल परिणाम इसी सप्ताह शुक्रवार तक जारी होने की संभावनाएँ बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है। इसके अलावा अब चर्चा कर लेते हैं रीट भर्ती 2022 लेवल सेकंड बाकी सब्जेक्ट के स्कोर कार्ड और रीट लेवल सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है ऑफलाइन शेड्यूल उसके बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको कल के वीडियो में भी बताया गया था, रीट लेवल सेकंड स्कोर कार्ड जो है बाकी सब्जेक्ट का इसी सप्ताह में जारी होने की बात कही गई है, लगभग बुधवार या गुरुवार या मान सकते हैं दोस्तों शुक्रवार तक जारी होने की बात राजस्थान युवा बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के अनुसार या उन्होंने कहा है इस बारे में। और दस्तावेज सत्यापन की अगर बात करें दोस्तों, ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन का जो शेड्यूल है वह लगभग अगले सप्ताह तक की बात उन्होंने कही है, और स्वयं जो राजस्थान युवा बेरोजगार, इसके अलावा जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री हरिप्रसाद जी शर्मा, उन्होंने भी कहा कि अगले सप्ताह तक जो है रीट लेवल सेकंड कार्ड जो दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये अपडेट थी दोस्तों, देखते हैं ये आपको उनके अनुसार अपडेट दी गई है, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट जारी होगी या कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी स्कोर कार्ड से संबंधित या पीटीआई भर्ती प्रोविजनल परिणाम या डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट लिंक से संबंधित, तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। तो इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ें, और दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नए लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।